बच्चों ये बताओ स्कूल क्या है? मैडम जी स्कूल ऐसी जगह है जहाँ हमारी कुटाई होती है और हमारे पापा की लुटाई होती है। बेटा चलो बताओ दुख किसे कहते हैं? मैडम जी वैलेंटाइन डे के दिन मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाए और हम ना जाएं, उसे ही दुख कहते हैं। अरे बदतमीज, मैं वैलेंटाइन डे वाले दुख की बात नहीं कर रही, मैं वैसे वाले दुख की बात कर रही हूँ। ना मैडम जी ये बहुत बड़ा दुख है, तुम्हें नहीं पता है। कबीर चलो बताओ ऊपर वाले ने हमें आंखें क्यों दी? मैडम जी देखने के लिए। और कान? मैडम जी मुर्गा बनाने के लिए। इसी बात में फिर मुर्गा बन जा के बाहर। मैडम जी मैं तो पहले ही कह रही हूँ अब बनना पड़ेगा मुर्गा। कबीर चलो बताओ समोसा हमें नुकसान करता है या फायदा? मैडम जी खिलाना पड़ जाए तो नुकसान, अगर कोई खिला दे तो फायदा। मतलब तुम भी फ्री की चीज खाने वाले हो? अरे मैडम जी मैं तो बहुत अच्छा लगता है, अभी मंगवा लो, चलो अभी खा लेंगे। अबान खड़े हो, चलो बताओ रोहन मुझसे प्यार नहीं करता, इसका इंग्लिश में क्या मतलब होगा? मैडम जी वो रोहन तो पागल है, एक मौका मुझे दे के देखो। कौन बहुत बदतमीज हो आप? मैडम मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। बैठो नीचे, हाथ ऊपर करके खड़े रहो। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते कबीर, रोज लेट आते हो तुम, ऐसे कितने बजे सोते हो रात को? मैडम जी बुक उठा लूं तो 9 बजे और मोबाइल उठा लूं तो 2 बजे। चलो अंदर बैठो और जल्दी सोया करो, मोबाइल ने सबको बिगाड़ा। बेटा चलो किन्हीं 2 पटाखों के नाम बताओ? मैडम जी एक तो मुर्गा छाप, दूसरी आप। बताओ भी बदतमीज, मैं पटाखा हूँ? मैडम जी बिल्कुल पटाखा लगती हूँ, पटाखा। वो उनकी पड़ी है और जो हमारी हस्बैंड वाइफ की जो केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है उसका क्या हो? मेरी वजह से हुई है? हाँ? तुम्हारी हरकतों की वजह से हुई है। हनीमून से पहले मैंने इसको पूछा कि कौन सा स्वीट बुक कराऊं, बोलती इमृति। ऐसी लड़कियां होती जिनकी न्यूज आती है। हाँ? जीजू का साइकिल लेके प्रेमी संग फरार। चलो ना फिर हम दोनों साथ में मिलकर न्यूज बनाते हैं। जब तू नॉर्मल कपड़े पहन के आती है ना, हाईएस्ट सेक्सी वाले कपड़े, तब भी मुझे तू ठीक नहीं लगती। और आज ये तू हलवाई के कपड़े पहन के आ गई तो मैं तेरे साथ फ्लर्ट करूंगा। अरे तो क्या हुआ, हलवाई के कपड़े हैं तो चलो मिलके एक आध मिठाई बना लेते हैं। सुनो रुको रुको जाना मत, एक सवाल का जवाब देके जाओ। हाँ बोलो जल्दी बोलो यार। सुनो जलेबी को फीमेल डिश क्यों कहते हैं? जलेबी को फीमेल डिश पता इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो टूट जाएगी पर सीधी कभी भी नहीं होगी। अब थैंक यू मत बोलना है ना। मैं बताती हूँ, रुको तुम कुछ भी लिखते हैं लोग, लड़कियां ना लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आप जैसे लड़कों की वजह से ना हम लड़कियां पीछे रह जाती हैं और हम ना हर चीज में आपकी बराबरी कर सकते हैं। अरे जब मैं कह रहा हूँ नहीं कर सकती हैं। किस चीज में नहीं कर सकते बराबरी? हम लड़के एक ही कपड़ों में 8-10 शादियां निपटा सकते हैं, तुम जा सकती हो कि कपड़े पहन के कहीं।